नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPhone 12 वर्सेस Realme GT 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो iPhone 12 में 5.78 इंच जबकि GT 5G में 6.24 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPhone 12 में 2.81 इंच जबकि GT 5G में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो iPhone 12 में 0.29 इंच जबकि GT 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि iPhone 12 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो iPhone 12 में 162 ग्राम जबकि GT 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPhone 12 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो iPhone 12 में OLED जबकि GT 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो iPhone 12 में 19:5:9 जबकि GT 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPhone 12 में 6.1 इंचेस जबकि GT 5G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPhone 12 में 1170x2532 और GT 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPhone 12 में 86.89% जबकि GT 5G में 85.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPhone 12 में 457 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT 5G में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPhone 12 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और GT 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPhone 12 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iPhone 12 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और GT 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPhone 12 में Apple GPU 4-Core Graphics जबकि GT 5G में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPhone 12 में Apple Bionic और GT 5G में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो iPhone 12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है, जबकि GT 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPhone 12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि GT 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPhone 12 में iOS V14 जबकि GT 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी iPhone 12 में 2815 mAh जबकि GT 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPhone 12 में 6 कलर्स जबकि GT 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPhone 12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 70,900 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 61,999 रुपीस, 4 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 74,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 37,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 39,980 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो एप्पल आईफोन 12 में 4 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी GT5G की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में आईफोन 12 आगे है, मेन कैमरा में GT5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में आईफोन 12 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो रेनो 3 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE है, तीसरा एसस रॉग फोन 3 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो X60 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।